तो आज हम बात करने वाले हैं द एवोल्यूशन ऑफ बिग बिलियन डे सेल। तो आपको मैं लेके चलता हूँ 2014 के अंदर, जब बिग बिलियन डे सेल सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। तो चलिए एक देखते हैं कुछ उसकी झलक। Flipkart's big billion day sale was an attempt to take online retailing to a whole new level. A day went phenomenally well. It exceeded all our expectations. No retailer in the country, offline or online, has come even close to this, right? So I think it is a glimpse into future of what's to expect. तो बिग बिलियन डे स्टार्ट हुई थी 2014 के अंदर और सितंबर में सेल आई थी, जब थोड़ी सी, मतलब मेरे को लगता है कि सेल के अंदर इतनी ज़्यादा तरीके से प्लानिंग नहीं हुई हुई थी, बट वो सेल दिखाने के लिए निकाली गई थी क्योंकि अमेज़ॉन ने एंट्री कर ली थी 2013 में इंडिया में, और भाई फ्लिपकार्ट को दिखाना था कि भाई हम इंडिया के बॉस हैं, आप नहीं हो, आप चाहे पूरे वर्ल्ड के बॉस होंगे बट इंडिया के बॉस तो हम ही है। तो निकाली गई थी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल। तो यार पहली सेल एकदम नेक्स्ट लेवल, अलग ही लेवल की सेल थी, बट काफ़ी लोग निराश भी होते क्योंकि ऑब्वियसली समझ ही नहीं आया, सेल आई और गई और बहुत ही कम लोगों को मिला था सामान, और मैं तो खुद उस समय मतलब ट्रैवल कर रहा था तो मैं तो ले नहीं पाया कुछ। बट जो सेल में प्राइजेस थे ना भाई, इनसेन थे। 1300 रुपये का फ़ोन मिल रहा था, 500 रुपये का फ़ोन मिल रहा था, 1 रुपये की पेन ड्राइव मिल रही थी, और कहाँ तक सेल थी। बट वो सेल उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं गई थी, फ्लिपकार्ट को फ्लॉप कार्ट कर दिया गया था क्योंकि यार काफ़ी सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए थे बाद में भी, सेलर्स ने कर दिए थे या फिर फ्लिपकार्ट ने अपनी तरफ से कर दिए थे, बट ऐसी चीज़ आगे नहीं हुई। पहले कुछ एक दो साल डिफ़िकल्ट थे फ्लिपकार्ट के लिए, बट वो लेके आया पूरा एक जनरेशन गैप बोल लो या फिर एक इवोल्यूशन इन द फ्लिपकार्ट के लिए। फ्लिपकार्ट मतलब बेसिकली ई कॉमर्स मार्केट में इवोल्यूशन लेके आ गया था उस टाइम पे, क्योंकि जो सेल और जो प्राइजेस थे ना वो ऑफलाइन मार्केट को तबाह के बीट किया, अमेजोन को पेल दिया, लिटरली पेल दिया था उस सेल के अंदर। और अभी भी अब लास्ट 3-4 साल से तो सेल ने ऐसा टर्न लिया है, ऐसा टर्न लिया है कि आईफोन पे जो रेट दे रहा है ना, और वो अमेजोन करीब भी नहीं ला पा रहा है, और फ्लिपकार्ट ने एक लीप फॉरवर्ड ले लिया है और दिखा दिया है कि भाई हम फ्लिपकार्ट हैं और इंडिया में फ्लिपकार्ट ही चलेगा आईफोन के लिए तो स्पेशली। तो यार आईफोन की सेल मैं आपको बता देता हूँ, 2019 से स्टार्ट हुई थी बढ़िया वाली, उससे पहले आते थे बट उतने ज़्यादा नहीं आते थे। 2019 में पहली बार आईफोन XR मिल रहा था 35,000 रुपये का, 35,000 का XR फ्लिपकार्ट ने बेचा था, और उस टाइम तो अमेज़ॉन ने भी काफ़ी हद तक प्राइस को मैच करने की कोशिश कर दी थी क्योंकि अमेज़ॉन के पास पैसा है भाई, प्राइस मैच कर सकता है। बट 2020 में जब फ्लिपकार्ट ने आईफोन 11 40,000 का लॉन्च किया था तो अमेज़ॉन भी चित्त हो गया था उस टाइम के ऊपर। अमेज़ॉन का सेल का प्राइस थोड़ा और ज़्यादा था, लगभग 5,000 रुपये तक, और वो सेल प्राइस अमेज़ॉन मैच नहीं कर पाया था जो फ्लिपकार्ट लेके आया था, और तब आया था एक एवोल्यूशन अगेन जो कि फ्लिपकार्ट ने आईफोन के अंदर निकाला, और इंडिया के हर बंदे ने आईफोन खरीदा था भाई उस सेल के अंदर। 2020 में स्टार्ट हुआ था ये एवोल्यूशन और आज तक चल रहा है, और अब लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं ना बिग बिलियन डेज के लिए क्योंकि 2021 में आपको मिल रहा था आईफोन 12 43,000 रुपीज का, मतलब 43,000 में जो लोगों ने लिया था ना वो लोग अलग ही खुश थे भाई। 64 GB था ऑब्वियसली बेस वेरिएंट, और 128, 48, 49 का मिल रहा था, और मुझे लगता है कि बेहतरीन प्राइस है, और मेरे तो कई दोस्तों ने भी खरीदा था उस सेल के अंदर, और उस टाइम पे भी लोगों को कम अवेयरनेस थी। लास्ट ईयर फिर लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हुई और मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई थी, और पिछले साल भी इतने क्रिएटर्स वीडियो नहीं फोकस कर रहे थे बिग बिलियन डेज के ऊपर, बट भाई आईफोन 13 मिल रहा था 46,000। तो यार 46,000 का मिला कैसे था, फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड से मिला था भाई, और भी पिछले साल, उससे पिछले साल भी फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड की वजह से ही इतना घातक रेट था। तो फ्लिपकार्ट एक्सिस अप्लाई कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, 1,000 का कूपन भी मिलेगा, और इस साल का आईफोन 14 2023 में आ सकता है एज लो एज 46,000 का, लेना है तो उसी तरीके से मिल पाएगा। और इस टाइम पे अब एक्साइटमेंट लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल है। पिछले साल 13 प्रो भी 88,000-89,000 का मिल रहा था, वो भी विदाउट कार्ड, कार्ड के साथ तो 85 चला गया था। मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक सेल हो चुकी है ना इस समय फ्लिपकार्ट की, जो कि पहले नहीं थी, और लोग फ्लिपकार्ट को फ्लॉप कार्ट कह रहे थे और कह रहे थे कि नकली सेल है। यार देखो सेल इतनी ज़्यादा अगर कोई ला रहा है ना तो यार वो कुछ मिनटों के लिए ही ला सकता है, आपको समझने की ज़रूरत है, आप सेल को नकली मत बोले, समय पर बैठें, और अगर आपको वर्थ लगता है कि भाई वो एक्स्ट्रा 5-7 हज़ार मुझे बचाने हैं तो डेफिनेटली रात को बैठें और ख़रीदें यार। और ऐसी वीडियोस के लिए टेक्निक इंडिया को फॉलो करना है क्योंकि वो आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाएगा जिससे आपके पैसे ज़रूर बचवाएगा। यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, बाय।